हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ रियलमी एक्स सेवन मैक्स के बारे में। तो यहाँ पर एक तरफ से ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी होने वाला है और इसमें मैं आपको क्या क्या प्रोस है, क्या क्या कौन से इस फ़ोन के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर पहले बात करते हैं प्रोस के बारे में, ये फ़ोन में क्या क्या मुझे अच्छा लगा है। तो यहाँ पर पहला जो मैं बताना चाहता हूँ वो है इसका डिस्प्ले क्वालिटी। इसमें आपको 6.43 इंच का सुपर एमोलेड फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पर इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही एक अच्छा डिस्प्ले मिलता है, डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और यहाँ पर अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, यहाँ पर कोई भी मूवीज़ देखते हो, तो आपको बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो प्ले करके ही दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं कॉस्टिका का एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो फ़ोन है HDR सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर क्वालिटी में जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो HDR सपोर्टेड है। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ, आप खुद देखो। तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा है, देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना वाइब्रेंट कलर्स आ रहा है। तो यहाँ पर इसका डिस्प्ले क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो अगर आप मीडिया कंजप्शन ज़्यादा करते हो तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी आपको निराश नहीं करेगा। जो प्रो मुझे इसमें लगा वो है इसका नेटवर्क क्वालिटी। तो यहाँ पर इसका जो नेटवर्क क्वालिटी मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी कॉल ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर कॉल क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है वो है इसका करियर एग्रीगेशन। इसमें आपको घर के अंदर बैठने से ही मुझे यहाँ पर करियर एग्रीगेशन 2 CA तक मिल जाता है, लेकिन दूसरे जो फ़ोन्स हैं उसमें मुझे 1 CA नहीं तो करियर एग्रीगेशन मिलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे 2 CA तक करियर एग्रीगेशन मिल ही जाता है। और यहाँ पर इंटरनेट स्पीड भी मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा है, जियो के सिम के साथ मैं अगर मैं यूज़ करता हूँ तो बहुत ही अच्छा स्पीड मिल जाता है मुझे। तो ये नेटवर्क क्वालिटी में कोई भी इश्यू नहीं है। तीसरा जो प्रो मैं बताने वाला हूँ वो है इसका स्पीकर क्वालिटी। तो यहाँ पर इसका स्पीकर क्वालिटी से मैं इंप्रेस्ड हूँ। यहाँ पर मैंने वन प्लस नोट 2 का स्पीकर भी मैंने सुना हुआ है, तो यहाँ पर उसमें जो स्टीरियो स्पीकर है उसका क्वालिटी इससे भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको साउंड क्वालिटी में आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर इस प्राइस रेंज में जो कि मोटरोला है और सैमसंग का जो फ़ोन है उसमें आपको ड्यूअल स्पीकर्स नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिल जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको साउंड क्वालिटी में सुना के दिखाता हूँ। तो इसका स्पीकर क्वालिटी मुझे तो इम्प्रेसिव लगा है, अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हो तो आपको एक अच्छा इफेक्ट मिलने वाला है इसमें। करते हैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 मिलता है, और यहाँ पर 8 GB का रैम मिलता है जो कि है LPDDR4X, और यहाँ पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पर ऐप ओपनिंग टाइम हो या आप गेमिंग करते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बहुत ही एक फ्लैगशिप लेवल जैसा प्रोसेसर दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा ये फ़ोन में। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर गेमिंग नहीं करता, फिर भी यहाँ पर फ्री फायर मैं खेल लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्री फायर में जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है बहुत ही अच्छा मिला है। तो यहाँ पर अगर मैं 45 मिनट से या 1 आवर तक गेम खेलता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलता है। डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी परफॉर्मेंस इशू नहीं होगा इसमें। अगर आप स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी यूज़ करते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आपको बहुत ही एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है ये फ़ोन में। तो यहाँ पर अंडर द प्राइस रेंज ऑफ 30,000 आपको एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन मिल रहा है। अगर गेमिंग के लिए हो या डे टू डे लाइफ के लिए हो, आपको बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है ये फ़ोन में, रियलमी एक्स सेवन मैक्स में। दूसरा जो बात इसमें मुझे पसंद आया वो है इसका कैमरा क्वालिटी, रियर वाला कैमरा क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको बैक साइड में आपको 64 MP का IMX682 का सेंसर दिया गया है जो कि बहुत ही एक कैपेबल सेंसर है। तो यहाँ पर ये जो सेंसर से अगर आप कोई फ़ोटोज़ लेते हो तो आपको बहुत ही एक अच्छा इंप्रेसिव रिजल्ट्स मिलने वाला है। थोड़ा थोड़ा सैचुरेट कर देता है फ़ोटोज़ को, फिर भी आई प्लीजिंग फ़ोटोज़ ले लेता है।
तो यहाँ पर आपको तो पता ही होगा रियलमी का अल्गोरिदम कैसा रहता है कैमरा का, तो थोड़ा सैचुरेट कर देता है। अगर आपको ज़्यादातर सैचुरेशन नहीं चाहिए तो ये जो AI मोड है इसे आप डिसेबल करके फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो रियर कैमरा क्वालिटी है मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा है। मैं कुछ रियर कैमरा से जो मैंने फ़ोटोज़ लिया था वो मैं इंक्लूड करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप वो देखो, आप खुद जज करो कि आपको पसंद आया है क्या नहीं। और यहाँ पर डायनेमिक रेंज भी अच्छे से कैप्चर कर लेता है ये फ़ोन। प्रो बताने वाला हूँ वो डिपेंड रहता है आपको कैसा वाला फ़ोन पसंद है। मुझे यहाँ पर कॉम्पैक्ट साइज़ फ़ोन्स ज़्यादातर पसंद है, तो रियलमी अभी भी कॉम्पैक्ट साइज़ फ़ोन्स अभी भी बनाता है। मतलब कि यहाँ पर 6.43 इंच का डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पर ये फ़ोन प्रिटी लाइट वेट है 179 ग्राम्स का। तो जिनको बड़े फ़ोन्स पसंद है उनके लिए ये कौन रहेगा, लेकिन जिनको कॉम्पैक्ट फ़ोन्स ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये प्रो सेक्शन में रहेगा। ये थे कुछ प्रोस रियलमी X7 मैक्स के बारे में। तो अब मैं बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या कॉन्स है जो कि मुझे इसमें पसंद नहीं आया। तो पहला जो कॉन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इसका फ्रंट कैमरा। इसका फ्रंट कैमरा प्राइस के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। अगर आप फ्रंट कैमरा से ज़्यादातर फ़ोटोज़ लेते हो तो ये वाला फ़ोन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आप एक यूट्यूब वीडियो क्रिएटर हो तो भी मैं ये फ़ोन आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट कैमरे से अगर आप वीडियो बनाते हो तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का आता है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा एक बहुत ही बड़ा कॉन है ये फ़ोन में। कॉन मुझे इसमें लगा वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। इसका बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। जो भी फ़ोन इस प्राइस रेंज में आते हैं उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे एकदम पसंद नहीं आया। और अगर आप फ़ोन कवर के साथ यूज़ करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, जैसे कि इस तरह। तो यहाँ पर अगर आप फ़ोन कवर के साथ यूज़ करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप बिना कवर के यूज़ करते हो तो ये बहुत ही एक चीप फ़ोन का फीलिंग देगा आपको। तीसरा जो कॉन है वो है इसका सनलाइट विजिबिलिटी। इसका ब्राइटनेस लेवल उतना इम्प्रेसिव नहीं है। अगर आप फुल ब्राइटनेस में भी रखते हो, अगर आप सनलाइट के नीचे डायरेक्ट नीचे होते हो तो आप फुल ब्राइटनेस में भी रखते हो तो आपको फ़ोन में कुछ नहीं दिखेगा। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो जो कॉन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इसका बैटरी लाइफ। तो ये भी एक नेटपिकिंग है। अगर आप 120Hz रिफ्रेश रेट में रख के ये फ़ोन को यूज़ करते हो तो आपको 5.5 to 6 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर आप 60Hz रिफ्रेश रेट में रख के फ़ोन को यूज़ करते हो तो तकरीबन आपको 7 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाएगा। तो वन डे यूसेज के लिए ये फ़ोन बहुत ही सही है। ये थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स रियलमी X7 मैक्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा से अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप ये फ़ोन के साथ जा सकते हो फॉर द प्राइस ऑफ 27,000। फॉर द प्राइस ऑफ 27,000 ये फ़ोन बीस्ट है। बैक कैमरा हो या बहुत ही अच्छा है, रैम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये फ़ोन को मैं 9/10 मार्क्स दे सकता हूँ। अगर इसका फ्रंट कैमरा भी थोड़ा अच्छा होता तो इसको मैं 10/10 मार्क्स दे देता। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।